डेरिवेटिव वाली। और चेन रूल बताया था मैंने, और आई गेस ज्योमेट्रिकल मीनिंग नहीं बताया था ना अभी डेरिवेटिव का। ओके चलो पहले डाउट्स पूछ लो। क्वेश्चन फाइव, क्वेश्चन फाइव, एक मिनट। हाँ क्वेश्चन फाइव से पहले किसी का डाउट है? सर क्वेश्चन फोर्थ का फोर्थ पार्ट, फोर्थ का फोर्थ पार्ट, उसके पहले किसी का डाउट? ओके क्वेश्चन फोर में कह रहा है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल में पूरा लंबा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है वो है y इज इक्वल टू x प्लस वन ओवर x माइनस वन। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से वो पूरा लंबा मेथड करना पड़ता है, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ x प्लस एच, तो x की जगह पर x प्लस एच अपॉन x प्लस एच माइनस वन माइनस एफ एक्स x प्लस वन अपॉन x माइनस वन और अपॉन h। अब यहाँ ऊपर हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ऊपर जब हम एलसीएम लेंगे तो थोड़ा सा लंबा आएगा, छह टर्म आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच प्लस एक्स माइनस एच माइनस वन, इससे पहले का है तो क्रॉस में मल्टीप्लाई हुआ है, माइनस दूसरे का आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स एच प्लस एच एंड x से मल्टीप्लाई कर दिया पहले दोनों में, फिर h से कर दिया है तो एच एक्स और एच माइनस वन से, तो माइनस एक्स और माइनस वन, और नीचे एलसीएम में और ऑली भी नीचे आ जाएगा ये, तो x प्लस एच माइनस वन एक्स माइनस वन और h। दिस इज आफ्टर टेकिंग एलसीएम। ठीक है, कुछ लोगों से हो गया था क्या? पूछा नहीं बाकी लोगों ने? सर हो गया था संकल्प कार्तिक के? सर मुझसे नहीं हुआ था। तो पूछा क्यों नहीं? सर पहले ऑडियो नहीं आ रही थी मेरे को। अच्छा चलो, तो यहाँ एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स एच और एक्स एच कैंसिल, बाहर माइनस है दूसरे ब्रैकेट में, एक्स और माइनस एक्स यहीं पर कैंसिल, और x और माइनस एक्स यहाँ पर कैंसिल, तो नेट हमारे पास क्या बचा? लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, ऊपर एक माइनस h यहाँ है और माइनस h यहाँ आएगा, तो माइनस टू एच माइनस वन ये है, अच्छा ये भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस वन और माइनस वन सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, तो सिर्फ माइनस टू एच बचा, और नीचे बचा है x प्लस एच माइनस वन x माइनस वन और h, h और h कैंसिल, और अब बस लिमिट की वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन, जो कि हो जाएगा एक्स माइनस वन का स्क्वायर। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल से आ गया, क्वेश्चन टू से लगाओगे तब भी सेम आंसर आएगा। ठीक है सर, एक एग्जांपल में डाउट था लेते हैं। चार पांच लोग एब्सेंट हैं, महक, अनु, आस्था और माहिका, चारों ही एब्सेंट हैं, एक और भी बोल रहा है, चलो ठीक है, नोट कर लिया क्या? कर लिया नोट? एक सेकंड। ओके नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फाइव। ओके श्योर, जल्दी से लिख लो।
इसका तुम्हारा ये अपने आप हो गया था और कुछ से हो गया था? सर ये वाला डाउट था मेरा। अच्छा तुमने तो पूछा था, सॉरी। और जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर 5 तो बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ये तो पॉलिनोमियल है ना, अपॉन 100 से कोई मतलब नहीं, वो तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा। तो x टू द पावर 100 का डिफरेंशिएशन होगा 100 x टू द पावर 99, ऊपर वाला 100 और नीचे वाला 100 कैंसिल, प्लस ऐसे अगली बार होगा 99 x टू द पावर 98, ऊपर वाला 99 नीचे वाला 99 कैंसिल, और ऐसे ये चलता जाएगा। लास्ट में x स्क्वायर का 2x, जिसमें ऊपर 2 और नीचे 2 कैंसिल, सिर्फ x बचेगा, x का 1 और 1 का 0, तो ये एक पैटर्न आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। इसके बाद जो प्रूफ करना था तो वो क्या है, किस बारे में? अच्छा अच्छा प्रूफ करना है f dash equal to 100 times f dash 0। तो ये f dash x निकाल लिया हमने, डेरिवेटिव निकाल लिया है, f dash 1 क्या हो जाएगा, तो 1 to the power हर टर्म में है, 1 to power 1 से लेके 1 to the power, तो x to the power अगर हम देखें तो 0 से लेके 99, ये कितने टर्म्स है पता है, कितने टर्म्स है? हाँ सर 100 टर्म्स है, 100 टर्म्स है, x to power 0 से स्टार्ट हो रहा है, 1 को x to power 0 लिख सकते हैं, और x power 99 तक जा रहा है, 0 से लेके 99 तक 100 टर्म्स हो गए। अब जब 1 डालेंगे वैल्यू, तो हर टर्म की वैल्यू 1 है, 100 टाइम्स 111 ऐड होगा तो 100 हो जाएगा, तो f डैश 1 की वैल्यू हो गई 100, f डैश 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो सारे टर्म 0 हो जाएंगे एक्सेप्ट द लास्ट वन जो कि 1 कांस्टेंट है, तो f डैश 0 की वैल्यू 1 हो गई। ये प्रूव करना था कि f डैश 1 इज इक्वल टू 100 टाइम्स f डैश 0। ठीक है, नेक्स्ट। सर 6 के बाद, सर डिफरेंशिएशन के बाद नहीं हो रहा 6 में? हाँ सर, डिफरेंशिएशन ही तो करना है, उसके बाद में क्या करना है सर? उसके बाद सर आंसर तो निकालना पड़ेगा ना, डिफरेंशिएशन ही आंसर है, और आंसर में क्या निकालना है सर? वो dy dx और वो कॉमन लेके सर उसके बाद क्या करना है फिर? 6 की बात कर रहे हो ना? हाँ सर, 6 में तो बस डेरिवेटिव तो निकालना है, x टू द पावर n का डेरिवेटिव हो गया n x टू द पावर n माइनस 1, प्लस अगले वाले में a है और x टू पावर n माइनस 1 को ही करना है, और a तो कांस्टेंट है, तो n माइनस 1 इनटू a x टू द पावर n माइनस 2। सर जो इक्वेशन दे रखी है उसमें नहीं करना होगा पहले? इक्वेशन कहाँ है, ये तो एक एक्सप्रेशन है, फंक्शन दे रखा है कि fx equals to, सर इसको नहीं करना होगा डिफरेंशिएट? fx equal to कहाँ दे रखा है सर? दे सर ये xn plus ax n, इसी को तो कर रहा हूँ मैं, ये पहले टर्म का डिफरेंशिएशन हो गया, टर्म बाय टर्म हो जाएगा ना, इसमें प्लस है तो हर एक टर्म को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, पहले को किया है दूसरे को किया ऐसे तीसरा हो जाएगा, उसमें n minus 2 आगे a square और x की पावर n minus 3, बस ये चलता रहेगा पैटर्न ऐसे, आखिरी a to the power n का तो 0 हो जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, और उसके पहले टर्म का a to the power n minus 1 बचेगा, बस x का तो डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, यही हमारा आंसर है। या a की कोई वैल्यू वगैरह या कुछ और नहीं निकालना है, सिर्फ डेरिवेटिव निकालना है, और सेम फिक्स रियल का मतलब उसने बता दिया कि a कांस्टेंट है, a को वेरिएबल मत समझना। नेक्स्ट, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n ऑन x माइनस a, तो इसको क्वेश्चन रूल से कर सकते हैं, तो f2 क्या हो गया x माइनस a, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन
तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, और ए टू पावर एन का तो जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ यही हुआ ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस फर्स्ट फंक्शन एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन, और नीचे वाले का डेरिवेटिव जो कि वन हो जाएगा अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर, बस खत्म। हो सकता है आंसर में थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया हो, सिंप्लीफाई मतलब क्या है कि x माइनस ए, अब इसको चाहो तो एक्सपैंड करोगे तो x माइनस ए एक फैक्टर इसका भी आ जाएगा, तो ऊपर से x माइनस ए और नीचे से x माइनस ए कैंसिल हो सकता है, दैट इज द पार्ट ऑफ सिंप्लीफिकेशन अगर करना हो तो। आंसर में क्या x पावर n x माइनस ए नहीं आ रहा होगा, कर लोगे तो ये इसको फैक्टराइज कर लोगे ना x माइनस ए, फिर ब्रैकेट में एक एक पावर कम होती जाएगी, मैं इसका फैक्टराइजेशन लिख देता हूँ, हो जाएगा x माइनस ए और यहाँ हो जाएगा x टू द पावर n माइनस वन, और अच्छा पड़ता है इसमें x टू द पावर n आ जाएगा और हमें फाइनली a टू द पावर n माइनस ए पावर n चाहिए होगा, तो इसमें आया है हमारा माइनस a टू द पावर n माइनस वन, मैं कहना होगा प्लस a x to the power n minus 2, इसे यहां से x power n minus 1 से x power n आ गया है, minus a x to the power n minus 1 plus a, ठीक है, फिर see a square x to the power n minus 3, ऐसे चलता रहेगा, ये फैक्टराइजेशन थोड़ा याद करना पड़ता है, और लास्ट में आ जाएगा a ब्रैकेट के अंदर आएगा x टू द पावर n माइनस वन, और हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया है टर्म एक्स फॉर एन माइनस टू आता है, जो कि ए एक्स टू फॉर एन को कैंसल भी करना है हमें, ए एक्स टू पावर एन हो रहा है, मैं याद करके बता दूंगा, ठीक है, उसका फैक्टराइजेशन है बेसिकली इस बार x माइनस ए कॉमन आएगा जो कि कैंसिल हो जाएगा, वो एक्सप्रेशन मैं बता दूंगा तुम्हें जब याद नहीं आ रहा है, ठीक है, नेक्स्ट आउट, नेक्स्ट आउट, हो गए सारे बाकी सर, सर ये बता दीजिए सर, 11th में सर 3 cot x plus 5 cos x का सर डेरिवेटिव, 3 cot x plus 5 के तो बहुत ही डायरेक्ट ही तो है, 3 cot x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, माइनस cos x स्क्वायर x, याद कर लो डायरेक्ट ही, इसमें कुछ करना ही नहीं है, और 5 cos x का होता है माइनस cos x cot x, तो माइनस cos x cot x डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है सर, जिसमें मतलब क्वेश्चन रूल और वो नहीं लग रहा, प्रोडक्ट रूल वो इंडिविजुअली हो सकते हैं डिराइव, ऑफ कोर्स सब कोई प्रोडक्ट है ही नहीं तो प्रोडक्ट रूल क्यों लगेगा, ठीक है, और कोई डाउट एक्सरसाइज से सर, एग्जांपल में था सर, हां भी ले रहा हूं, अनुष्का अर्पिता तुम लोगों ने किया है काम, कोई डाउट नहीं पूछ रहे हो सर, क्वेश्चन 11 नहीं किया है, नो छूट गया, छोटे छोटे थे, चलो एग्जांपल में पूछो डाउट, अर्पिता तुम कहाँ हो, हाँ सर किया है, बस 6th में डाउट था वो आपने बताया, हाँ किस एग्जांपल में डाउट है सर, एग्जांपल 8 में डाउट था सर, एग्जांपल 8, अब पीछे आ रहे तो find the derivative of fx is equal to 3,
कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो जीरो होता है ना सर। सर एक चीज पूछनी थी बस सर, जब हम डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव निकालेंगे तो सर जब एट एक्स इज इक्वल टू थ्री तो सर इसमें सर थ्री माइनस थ्री अपॉन एच आ रहा था सर। सर वो देखो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है तो ऑब्वियस सी बात है, डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, चेंज इन वैल्यू ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब एक कांस्टेंट फंक्शन है तो क्या उसमें वैल्यू वैल्यू ऑफ वाई में कोई चेंज हो रहा है, एक्स तुम कितना भी चेंज कर लो तो डी वाई जीरो हो गया, एक्स कितना भी हो तो ये जीरो ही आएगा ना। अब इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है तो क्या करेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच, कॉन्स्टेंट फंक्शन है एफ में कुछ भी डालो थ्री बाहर आता है तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच भी थ्री हो जाएगा माइनस एफ एक्स भी थ्री हो जाएगा। अपॉन दोबारा रिपीट करेंगे सर ये जो बोला गया, ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच होता है इसमें, ये सर तो एफ ऑफ थ्री एक्स प्लस एच है तो ये फंक्शन तो कॉन्स्टेंट फंक्शन है, एफ में कुछ भी इनपुट हो आउटपुट थ्री ही आना है, यस सर तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच थ्री होगा एफ एक्स भी थ्री होगा, इनपुट से मतलब ही नहीं, कॉन्स्टेंट फंक्शन में आउटपुट हमेशा थ्री होगा तो ये थ्री माइनस थ्री जीरो अपॉन एच जिसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। यस सर थैंक यू सर। ठीक है चलो तो छोटी सी चीज रह गई है वो मैं बता देता हूँ उसके बाद हम वर्कशीट कर लेंगे, वर्कशीट मैंने भेजी है अभी। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है। जैसे तुमने क्लास 10 में पढ़ा था ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल, कि पॉलीनोमियल के जीरोस को ड्रॉ करेंगे तो ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट होता है उससे, ऐसे यहाँ पर देखते हैं। तो मान लेते हैं कोई फंक्शन है, नॉर्मल सा फंक्शन है हमारा, जनरल फंक्शन कुछ भी हो सकता है, तो मैंने ऐसा ले लिया। ठीक है ये मैं डायग्राम एक और बना चुका हूँ, अब इस डायग्राम का एक्चुअल मीनिंग समझो। तो जो हम डेरिवेटिव निकालते हैं होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, तो बेसिकली दो पॉइंट होते हैं विच आर वेरी क्लोज। तो हम बात कर लेते हैं कि मान लेते हैं ये कोई पॉइंट एक्स है जहां पर वैल्यू ऑफ फंक्शन है एफ एक्स। ठीक है इसके वेरी क्लोज कोई पॉइंट है, मैं दूर बना रहा हूँ सो दैट हम डायग्राम में इसको देख सकें, ये इतना पास है कि हमें एक ही पॉइंट दिखेगा, ये दो पॉइंट नहीं दिखेंगे, इतना क्लोज है। तो अगर ये पॉइंट x प्लस एच है तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू क्या होगी, f ऑफ x प्लस एच हो जाएगी। अब देखो हमारा डेरिवेटिव क्या है, हमारा डेरिवेटिव है f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स, मतलब इन दोनों पॉइंट्स में जो फंक्शन की वैल्यू है जो y की वैल्यू उनका डिफरेंस अपॉन जो x की वैल्यू में डिफरेंस h का ही तो है। क्या हम इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखो अगर मैं यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दूँ, यहाँ से एक वर्टिकल लाइन खींच दूँ और बोल दूँ कि ये एंगल थीटा है, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, तो क्या यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है तुम लोगों को, जो ऑरेंज से बना है एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, अभी मैं ज्वाइन करूँगा तो एक के ऊपर एक दिखेगा तो यह हाइपोटेन्यूज है। ठीक है अच्छा क्या यही वैल्यू है f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स, यही तो है दोनों पॉइंट्स पे y की वैल्यू का डिफरेंस, क्या जो बेस है ये h है, क्या ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखा हुआ है, yes, तो क्या हम बोल सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट tan थीटा, tan थीटा तो है इस ये थीटा की बात है, दोनों पॉइंट को जो ज्वाइन कर रहे हैं थीटा एंगल बन रहा है। अच्छा मैं इसी लाइन को एक्सटेंड कर दे रहा हूँ पीछे की तरफ, तो अगर ऊपर ट्रायंगल का एंगल थीटा है तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा, रेस्पॉन्डिंग एंगल्स, यस सर। नाउ सी कि ये पॉइंट बहुत ही पास है, दिस इज यहाँ पर तुम्हें ट्रायंगल दिखाई नहीं देगा, ये इतने पास है, यहाँ तुम्हें सिर्फ एक पॉइंट दिखाई दे रहा होगा, तो क्या ये लाइन इस कर्व पे पॉइंट एक्स पे एक टेंजेंट है, क्या ये लाइन इस कर्व पे एक टेंजेंट, एक ही पॉइंट तो है, वो दो पॉइंट इतने पास हैं कि वो एक ही पॉइंट जैसे एक्ट करेंगे, अच्छा सर, तो क्या ये लाइन कर्व पे एक्स पॉइंट पे टेंजेंट बना रही है, यस सर, टच करते हुए जा रही है, टेंजेंट हो गई। अच्छा ये थीटा अगर ये एंगल है तो टैन थीटा क्या इस लाइन का स्लोप हो गया, ये तो पढ़ा है हमने, हाँ सर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लाइन का स्लोप क्या होता है, लाइन जो एक्स एक्सिस से एंगल बनाती है उसका टैन ही तो स्लोप होता है लाइन का, यस सर। तो बेसिकली ये जो dy by dx है ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है,
this represent slope of tangent at that point. जिस point पे हम dy by dx निकाल रहे हैं actually में वो क्या होता है, that is slope of tangent at that point. Geometrical meaning ये हुआ dy by dx का, ठीक है. ठीक है, तो कभी बोल रहा है कि अरे कर्व है उसका स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स इज इक्वल टू 3, 5 है. तो दैट मींस डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 3 क्या है उसका 5 है. समझ गए बात, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज सेम एज डी वाई बाई डी एक्स. किसी पॉइंट पे डी वाई बाई डी एक्स का मतलब होता है उस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट खींचेंगे उस टेंजेंट का जो स्लोप आ रहा होगा वही डी वाई बाई dx, ठीक है. अब इसका कोई यूज नहीं, क्लास 12th में आएगा ये. अब इसे फिर समझने के लिए लिख लिया. चलो ये भी लिख लो, मैंने देख लिया x पावर n माइनस 8 पावर n, मुझे याद आ गया. x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n कैन बी एक्सपेंडेड एज x माइनस a इनटू x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a इनटू x टू द पावर n माइनस 2 प्लस a स्क्वायर into x to the power n minus 3. देखो ये एक पैटर्न है, a की पावर बढ़ती जाएगी और x की पावर कम होती जाएगी और जो आखिरी टर्म आएगा उसमें आ जाएगा a to the power n minus 1, वहां पर x खत्म हो जाएगा. ठीक है, चलो सब लोग वर्कशीट खोल लो. वर्कशीट में मैंने नॉर्मल क्वेश्चन दिए, लास्ट में एक दो क्वेश्चन टेढ़े दे दिए, ठीक है, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस के लिए. तो अभी के लिए यू कैन डू क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 5 कर लो. चलो पूछो डाउट. फर्स्ट में कोई डाउट सर, आंसर बता दीजिए एक बार. आंसर तो दिया हुआ है ना नीचे. फर्स्ट का आंसर 0 है. हां सर 0 है. किसी को डाउट है फर्स्ट में? नहीं सर. सेकंड में? सेकंड तो नहीं हुआ, बहुत बच्चों वाला है. सर मेरा 97 आ रहा है और पीछे 37 आ रहा है. इसमें कैसे गलती कर सकते हो?
5x square minus 3x plus 7 का डेरिवेटिव निकालना है, तो पहले डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा f dash x, 10x minus 3 हो जाएगा, और बस x की वैल्यू 4 पुट कर देंगे तो 37 ही तो हो जाएगा। हाँ सर, मैंने गलत कर दी थी वैल्यू को। थर्ड में कोई डाउट सर? आया नहीं सर। थर्ड तो आना चाहिए, और किसी का डाउट है थर्ड? यस सर। थर्ड डाउट है, नीचे x स्क्वायर माइनस 1 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? सर x माइनस 1 x प्लस 1। x माइनस 1 इनटू x प्लस 1, क्या स्टैंडर्ड लिमिट दिख रही है? साइन एक्स अपॉन एक्स, जहाँ एक्स जीरो की तरफ जा रहा है तो एक्स नहीं है, एक्स माइनस वन है, लेकिन एक्स माइनस वन जीरो की तरफ तो जा ही रहा है, तो इसकी वैल्यू वन हो गई, बस वन अपॉन एक्स प्लस वन बचा, लिमिट पुट कर देंगे तो वन अपॉन टू हो जाएगा। ठीक है, यस सर। फोर्थ, लिमिट वो माइनस वन है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस वन, डाउट है किसी को फोर्थ में? डायरेक्टली लिमिट पुट कर दें तो पहला टर्म हो गया 1, माइनस 1 की पावर 3, तो अगला टर्म हो गया माइनस 1, फिर माइनस 1 की पावर 6, तो हो गया प्लस 1, फिर 9 है तो फिर हो गया माइनस 1, ऑल्टरनेट चलता रहेगा प्लस 1 माइनस 1। अब देख लो कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, अगर इवन है तो 0 हो जाएगा और ऑड है तो पहले 1 था, ठीक है, अगर ऑड होंगे तो पहले 1 था तो 1 बच जाएगा, तो आखिरी टर्म देख लो क्या आखिरी है, x टू द पावर 27 मतलब माइनस 1 टू द पावर 27, तो आखिरी में माइनस 1 आएगा। यस सर। तो सारे 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे, आंसर 0 आना चाहिए। सर पीछे 10 दे रखा है, सबसे नीचे क्वेश्चन पीछे 10 दे रखा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 तो नहीं है, नहीं नहीं 0 ही होगा वो, 10 मतलब 1 एक्स्ट्रा आ गया होगा, फिर यहाँ लिमिट चेंज करोगे तब 10 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट होगा आई गेस। हां सर, ब्रैकेट में बोला सर। किसी का हुआ क्या फिफ्थ? सर सॉल्व करना इतना पता चल गया, अब एक्सपेंड कर रहा था। एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। किस तरह का है, कुछ आइडिया लग रहा है कि किस फॉर्मेट का है, किस फॉर्म का है? सर बाइनोमियल वाली थ्योरम लगी है। बाइनोमियल तो सिलेबस से हट गया है, तो बिना बाइनोमियल के भी हो जाते हैं, बाइनोमियल से भी हो जाएगा बट बिना बाइनोमियल के भी कर सकते हैं। कुछ कुछ वैसा नहीं लग रहा है जो हमने सीखा है, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n ओवर x माइनस a, कुछ कुछ वैसा, क्योंकि नीचे x माइनस a अगर a 1 होता, अगर a 1 होता तो ऊपर भी 1 होना चाहिए था, तो पूरा पूरा मैच तो नहीं कर रहा है बट फॉर्मेट कुछ वैसा लग रहा है। ठीक है, व्हाट वी कैन डू, हमने कहा यार या तो ये अगर 8 है तो नीचे भी 8 आ जाए या फिर ऊपर भी 1 आ जाए, अभी तो कि ऊपर नीचे सेम ही a होता है, एक में की पावर n होता है और नीचे सिर्फ a होता है, सो व्हाट वी कैन डू, हमने कहा x प्लस 7 की जगह y लिख के देखते हैं, सब्स्टिट्यूशन करके देखते हैं तो एक नया फॉर्मेट में देखेगा तो शायद कुछ बात बने। तो जब मैं x प्लस 7 को y लिखूंगा तो देखो अगर लिमिट x टेंडिंग टू 1 है तो y की लिमिट कहाँ जा रही होगी, अगर x 1 की तरफ जा रहा है तो y किसकी तरफ जा रहा होगा? सर 8 की तरफ। 8 की तरफ, ठीक है, तो लिमिट y टेंडिंग टू 8 हो गया, y टू द पावर 4 माइनस 8 टू द पावर 4 अपॉन x को क्या लिख सकते हैं, अगर x प्लस 7 y है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? सर 1। y माइनस 7 हो जाएगी क्या? यस सर। यस सर। और y माइनस 1 और माइनस 1 ऑलरेडी है तो y माइनस 8 हो जाएगा, क्या बिल्कुल स्टैंडर्ड लगने लगा? लिमिट y टेंडिंग टू 8, y टू द पावर 4 माइनस 8 टू द पावर 4 आ गया उसी फॉर्म का, ठीक है ना? तो अगर हम सब कुछ चेंज करें तो कोई दिक्कत नहीं, वेरिएबल चेंज हो गया हो जाने दो, जरूरत नहीं वापस उसी में लिखने की, तो यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा एन वाई टू द पावर एन माइनस 1, एन यहाँ पर 4 है, वाई टू द पावर एन माइनस 1, एन की वैल्यू 4 थी तो ये 3 हो गया, देखो मैंने गलत लिख दिया है, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n ओवर x माइनस 1 की क्या होती है लिमिट की वैल्यू, क्या होती है वैल्यू?
सबसे पहले लिमिट हमने यही तो सीखी है, वैल्यू पुट कर देंगे y की वैल्यू पुट कर देंगे। सबसे पहले लिमिट हमने सीखी थी इसकी वैल्यू क्या होती, डायरेक्ट वैल्यू नहीं पता है क्या हमें, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n ओवर x माइनस a सर, n a टू द पावर n माइनस 1 n a टू द पावर n माइनस 1 तो n a की वैल्यू यहां पर 8 है, 8 टू द पावर n माइनस 1 3 तो 4 इनटू 8 क्यूब दैट विल बी द वैल्यू ऑफ लिमिट। ठीक है चलो टाइम बचा अपने पास, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 कर लो और देन यू कैन डू क्वेश्चन नंबर 9, 6 और 9 इजी है, यू कैन डू इट, जल्दी से कर लो। हो गए यस सर, कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 6 में या 9 में, 6 या 9 में कोई डाउट? सर एक चीज पूछनी थी सर। पूछो सर, जब हम dy/dx ऑफ लिखते हैं सर, डेरिवेटिव निकालते हैं किसी भी मतलब क्वेश्चन रूल लगाकर, तो सर जो dy/dx होता है वो पूरी दोनों टर्म्स के लिए होता है ना, ऊपर और नीचे? हां बिल्कुल बिल्कुल, dy/dx ऑफ fx है, y है। हां और सर जब हम dy/dx ऑफ जैसे dy/dx ऑफ gx निकाल रहे हैं सर, तो सर जो फर्स्ट प्रिंसिपल वाला फार्मूला है, द फर्स्ट प्रिंसिपल है, उसके थ्रू निकालेंगे ना सर वो? इसी मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल यूजली यूज नहीं करते जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना हो, वो डायरेक्ट जल्दी हो जाता है, फर्स्ट प्रिंसिपल से लंबी कैलकुलेशन होती है। नहीं सर, खाली अगर gx का ही हमें डेरिवेटिव निकालना हो जैसे x का भी हो, gx और y एक ही बात तो है, d/dx ऑफ gx या d/dx ऑफ y एक ही बात है, y और fx या gx एक नाम ही तो है फंक्शन के। ओके सर ठीक है, इन दोनों के आंसर आ गए सबके? भाई मैं दूसरा भी कर ही रहा हूँ। सिक्स सबको आ गया? क्वेश्चन नंबर सिक्स आ गया भाई, कहाँ हो सब अर्पिता स्नेहा? ओके, नाइन्थ में दोनों फैक्टराइज हो जाएंगे और फिर कैंसिल करके वैल्यू रख देनी है। ठीक है चलो, फिर होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 14 तक कर लेंगे, बाकी मैं क्लास में करा दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हमारा ये चैप्टर ओवर हो जाएगा, देन वी विल सी कि क्या रह गया, हमें क्या रिवीजन करना चाहिए या क्या आगे पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो अप टू क्वेश्चन नंबर 14 वर्कशीट के कर लेंगे। ठीक है, 7 क्वेश्चन हो गए, 7 क्वेश्चन होमवर्क में। चलो तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम गुड बाय एवरीवन। थैंक यू सर, हैव अ गुड डे।